नुशहरा में जड़कों पे जड़कों का सिलसिला लगातार जारी है और इसी बीच आज फिर से जो है वो नुशहरा में लाम के रहने वाले जावेद जी ने जो है वो अपने समर्थकों के साथ आज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है वो थामा है। लगातार आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो है वो इस समय Thank you.
हम तहसील किलादराल लाम जजोड़कंदो के रहने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे जम्मू कश्मीर में छाई हुई है, तो हमारा ये कहना है कि हम आगे हमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ये हमारा फैसला नहीं है कि मैं पहले ही भारतीय जनता पार्टी में रह चुका हूं, तो लोगों का ये साथ है, ये लोगों का विकास है कि उन्होंने मुझे मजबूर किया कि इस बीजेपी पार्टी से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्योंकि सुरिंदर चौधरी जो हमारे हैं बहुत एक अच्छे नाइस लीडर है, दबंग लीडर है, हमने उनका साथ देना है, उनको यहाँ से एमएलए की सीट दिलवानी है, और हमने अपने जो आई हमारे साथी हमारे बच्चे बेरोजगार होकर नशे की हालत में वहां से डेड बॉडी मिलती है, उनको बचाना है। हमने अपनी रोडों का देखना है कि हमारी रोड कहाँ कहाँ जा पहुंची है। अभी भी हमारे ये बॉर्डर एरिया का जो ये इलाका है जिसमें अभी तक कोई रोड का वहां पे नाम निशान नहीं है। हमें ये लोग ऐसे हैं मेरे साथ जुड़े हुए जिनको रात को छत के साथ अपनी लालटेन छत के साथ रख के खाना खाना पड़ता है। अभी भी वहां पे कोई ट्रांसफार्मर, कोई वहां पे बिजली का इंतजाम नहीं है। इसलिए हमारा सबका ये साथ है। हमने सुंदर साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है, हमने उसका साथ देना है और उनको सीट दिलवा के रहना है। इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है, पूरे जम्मू कश्मीर की कामयाबी है नेशनल।